इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर के आ रही है। 12वीं की बोर्ड परीक्षा सीबीएसई द्वारा स्थगित कर दी गई है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में की गई है। इससे पहले आपको जानकारी दे दें कि लगातार यह अपडेट्स लोग मांग रहे थे कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं अलग अलग राज्यों में कैसे कराई जाएं। इसको लेकर के नागरिकों से भी सुझाव मांगे गए थे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री को भी इस पर सुझाव देने को कहा गया था। सभी मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग राय रखी थी, जिसमें कहा गया था कुछ राज्य परीक्षा कराने के लिए तैयार हैं, सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ राज्य जो हैं इससे बचना चाह रहे थे। कारण एक ही है, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोई भी राज्य पूरी तरीके से तैयार नहीं था, रिस्क नहीं लेना चाहता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर लगातार बैठक कर रहे थे। खुद शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की नज़र इस पर बनी हुई थी कि सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर क्या फैसला किया जाए। अब जो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दे दी है, यानी फैसला ले लिया गया है कि अब सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा इस साल तो नहीं होने जा रही है। अब इसको लेकर के लोगों के बीच सवाल है, छात्रों के बीच भी यह सवाल है कि आखिर नतीजे कैसे मिलेंगे, क्योंकि 12वीं एक अहम पड़ाव होता है लाइफ में। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद आगे दाखिले के लिए चाहे IIT हो, मेडिकल हो, या फिर ग्रेजुएशन हो, वोकेशनल कोर्स हो, प्रोफेशनल कोर्स हो, इन सब में नामांकन के लिए छात्रों की चिंता बनी रहती है कि अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर कैसे कॉलेज और में एडमिशन मिल पाएगा। इसको लेकर जो चिंता बनी हुई है इसे दूर करते हुए यह निर्देश दिया गया है कि एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सेट किया जाए जिसके आधार पर मूल्यांकन हो और छात्रों को मार्क्स दे दिया जाए, यानी एवरेज मार्किंग की ओर विचार हो रहा है। हालांकि जो क्लास में जो उपस्थिति तो इस साल भी हुई नहीं है, इसके बावजूद जो एवरेज परफॉर्मेंस देखा गया होगा उसके मुताबिक मूल्यांकन ही किया जाएगा और मार्क्स दे दिए जाएंगे। जो छात्र इस मार्क से नाखुश होंगे, जिन्हें अपना अंक पसंद नहीं आएगा, वह समय ठीक होने के बाद परीक्षा देकर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, उनके मार्क्स उन्हें अलग से दे दिए जाएंगे। ठीक इसी तरह सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में भी इसी तरह का फैसला लिया गया था। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी गई थी, जिसके चलते छात्रों को इस बात का दुख था कि आगामी परीक्षा फिर कैसे होगी, 12वीं के लिए हम क्या तैयारी करेंगे। लेकिन 12वीं तक फिर भी ठीक है, जो स्कूल 10वीं कराते हैं अधिकतर स्कूल 12वीं तक की पढ़ाई कराते हैं तो प्रमोट करने जैसी स्थिति थी, लेकिन 12वीं के बाद छात्र अलग अलग दिशा में अपने करियर को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है, रास्ते क्लियर नज़र नहीं आते हैं और अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो इससे स्थिति कैसे साफ होगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने बीच का रास्ता निकाल दिया है, सभी राज्यों के मामले को देखते हुए सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है।